फ्रेंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूं। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल का आइकन है उसको दबा दें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक ही जैसे सब्जी खा खा कर अगर आप बोर हो चुके हैं तो आज ही ट्राई करें ये अलग और यूनिक सा सब्जी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बता रही हूँ बेसन की ऐसी सब्जी जो आपको मछली की स्वाद दिला देगा। मछली के स्वाद में आज बना रही हूँ बेसन की सब्जी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और इसको बनाना इतना आसान है, इतना सिंपल है कि आप झट से बना सकते हो अपने घर में। तो बनाना शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी, बेसन की सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 कप बेसन। बेसन के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, लगभग आधा इंच अदरक और 8 से 10 लहसुन की कली को क्रश करके डाल दें, और वो डाल दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे लिया है लगभग आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद लिया है यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर यहाँ पे डाला है थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और आधा से थोड़ा सा कम डाला है हमने अजवाइन, और स्वाद के हिसाब से नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम बहुत ही अच्छा घोल रेडी करेंगे, बैटर रेडी करेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गीला हो सकता है और लम्स रह जाएंगे। तो ध्यान रखें कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करें जिससे कि इसके अंदर लम्स नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से बेसन का जो है घोल रेडी होगा, बहुत ही अच्छा बैटर होगा। तो ज्यादा पानी एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन को घोलें। तो देखिए इस तरह से हमने बेसन घोल लिया है और इतनी कंसिस्टेंसी का ही हमें बेसन का बैटर चाहिए। तो बैटर को भी हम साइड में कर देते हैं और अभी प्रिपेयर करते हैं इसके मसाले की। तो सबसे पहले इसके मसाले के लिए यहाँ पर लिया है लगभग आप देख सकते हैं 8-10 लहसुन की कली, थोड़ा सा लगभग यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर मैंने साबुत लिया हुआ है, और साबुत जीरा लिया है लगभग 1/2 चम्मच। आज मैं साबुत मसाले को पीस करके डालूंगी, पीसे हुए मसाले का एक अलग सा ही स्वाद होता है। और फिर यहाँ पे डाला है लगभग 2 चम्मच सरसों के, पीले वाले सरसों के दाने, और इन सभी को हम पानी डाल करके काफी अच्छा एक स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। और पिसा हुआ मसाले का बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और जीरा साबुत लिया हुआ है। तो मसाला बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। सरसों का तेल लगभग 2 से 3 चम्मच अब डाल दें। और इसके बाद यहाँ पे हम तब ने तड़का लगाया है लगभग काली वाली जो सरसों होती है जिसको हम राई भी बोलते हैं, उससे तड़का लगाया है। बिल्कुल जैसे मछली की ग्रेवी बनती है वैसे ही सेम ग्रेवी यहाँ पे बनाऊंगी और बहुत ही सेम टू सेम आपको मछली का स्वाद आएगा। तो जैसे हमारा ये दाना छिटकने लगेगा उसमें हमने पीसे हुए मसाले जो रखे हुए थे वो सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं पीसा था तो वो डाल देते हैं, और इसको डाल करके लगभग 5 सेकंड तक ऐसे भून लें, और फिर ये जो पिसा हुआ मसाला है उसको इसके अंदर डाल दें। और डाल करके काफी अच्छे से इसको चला लें। यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर मैंने नहीं डाला था तो लगभग 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दें, और डाल करके इसको मसाले को काफी अच्छे से फ्राई करना है, मतलब भूनना है जब तक इसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल नहीं जाता। यहाँ पर आप एक और इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं टमाटर का, मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है, टमाटर डालने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाला काफी अच्छे से हमें फ्राई करना है, बिल्कुल इसका मॉइस्चर जो हट जाना चाहिए। कंटिन्यू चलाते हुए इसको फ्राई करना है, और यहाँ पे आप गैस को काफी तेज करके भूने तब भी मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। तो ये देखिए सारा मॉइस्चर उड़ चुका है और मसाले जो है बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इतना ही हमें मसाले को फ्राई करना है, और अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से रखें, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, नहीं तो बहुत ही पतला ग्रेवी हो जाएगा, और इसमें बेसन भी डालने पे पानी थोड़ा सा सूखेगा वो,
तो पानी उसी हिसाब से रखें। तो थोड़ा सा पानी हमने ज़्यादा करके डाला है ताकि जब बेसन हम डालेंगे तो वो थोड़ा सोखेगा। नमक स्वाद के हिसाब से डाल करके मिला देंगे। तो बस इसको कवर करके दूसरे वाले गैस पे डाल देते हैं, दूसरे वाले जो बर्नर होता है उस पे डाल देते हैं। और इस पे हम अभी जो है एक और काम करेंगे, अभी बचा हुआ हमारा वो काम करना बचा हुआ है। तो इस पे हमने लिया है एक तवा और हमने जो बेसन का जो घोल करके रखा था वो इस पे डाल करके रेडी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा पानी छिड़क दिया है तवा को गर्म करके, और जैसे हम डोसा बनाते हैं सेम वैसा ही इसका बेसन का चीला टाइप का है, ये चीला बनाएंगे। और एक कटोरी या फिर एक कलछी इस तरह से बेसन लेकर के और इससे तवा पे फैलाएंगे जैसे कि हम डोसा बनाते हैं, और फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और अंदर से काफ़ी अच्छे से इसको पकने देंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि इसको पलट करके दूसरी साइड नहीं पकाना है, इसको काफ़ी अच्छे से इस तरह से एक साइड पकने दें और दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करते जाएँ, ध्यान से करें क्योंकि गर्म होता है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ये देखिए। और फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे काफ़ी अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा जैसा नहीं लगेगा। इसको काफ़ी अच्छे से पका ले दोनों साइड से, और ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम और भी बनाएंगे, तो एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। सेम इस तरह से बेसन लेंगे और बेसन को इस तरह से डाल करके काफ़ी अच्छे से इसको गोल गोल करके ऐसे फैलाएंगे और थोड़ा तेल डाल देंगे और अंदर से काफ़ी अच्छे से पकने देंगे और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो बस इसी तरह से हम अपना सारा बेसन का जो है चीला बना करके रेडी करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है, हमने यहाँ पे दो बनाया हुआ है और भी इसी तरह से हम सारा बनाएंगे। तो इस तरह से इसको पीसेस में हम कट कर लेते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से इसको पीसेस में हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी हम बना करके रेडी करके सबको कट कर लेंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा और दिख रहा है, आप इसको ऐसे भी यहाँ पे खा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे मसाले ऐड किए थे इसमें। और फिर यहाँ पे आप देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ग्रेवी भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम बेसन डाल देंगे, बेसन का जो हमने चीला बना के रखा है वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद बहुत ही देर तक इसको खौलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, सारा बेसन हमारा टूट सकता है। तो बेसन में ग्रेवी में डालने के बाद बेसन को लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको और पकाना है। तो काफ़ी अच्छे से पहले इसको जो ग्रेवी में डिप कर दे जिससे काफ़ी अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब करे, सोख ले, और हमारा बेसन बिल्कुल कच्चापन भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए 2 से 3 मिनट तक इसको ढक करके पकने दे। तो 3-4 मिनट तक काफ़ी अच्छे से खोलने के बाद हमारा जो है बेसन का सब्जी जो है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। और ग्रेवी इसको बहुत ही अच्छा आया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते के साथ और फिर सर्व करेंगे गर्मा गर्म एक प्लेट में। इसको आप किसी भी चावल दाल के साथ खा सकते हैं और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। अगर आप मछली नॉनवेज नहीं खाते हैं और मछली का स्वाद लेना चाहते हैं, मतलब ग्रेवी का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से सब्जी आप बनाइए, बिल्कुल मछली वाले ग्रेवी के जैसा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक ही सब्जी खा कर कर अगर आप बोर हो चुके हैं, कुछ अलग नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आज की ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें, मैं बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो इसी तरह से आप एक कटोरी में निकालिए, चावल के साथ इसको सर्व करें। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई अच्छी रेसिपी आपको चाहिए, किसी तरह का कोई भी रिक्वेस्ट हो, कमेंट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको हर रिक्वेस्ट एक नई वीडियो बना करके लेकर के आऊँगी। तो बस आज की सब्जी रेडी हो चुकी है, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।